हेलो गाइज, मेरा नाम है रितेश रेशानी, आप देख रहे हैं आज रिव्यू अपडेट। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस समर में कौन कौन सी मूवी या सीरीज है जो पूरी तरह से समर में आग लगाने वाली। तो आपसे आपकी मनपसंद मूवी या फिर सीरीज मिस ना हो जाए तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फिर जरूर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट नंबर यानी कि नंबर वन की रिलीज को लेके। तो नंबर वन पे स्ट्रेंजर थिंग का सीजन 4 है और इसके सीजन 4 में आपको टोटल 2 वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा, जिसमें पहला वॉल्यूम जो कि आपको 27 मई को देखने को मिल जाएगा और सेकंड वॉल्यूम जो कि आपको 1 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। और इसके दोनों के दोनों वॉल्यूम आपको सेम डे हिंदी तमिल तेलुगु में भी देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रेंजर थिंग के लिए तो मेरे दिल में कुछ अलग ही जगह है क्योंकि मेरी देखी हुई नेटफ्लिक्स की फर्स्ट सीरीज थी और स्ट्रेंजर थिंग के सीरीज में दिखाए गए सारे के सारे कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा लवेबल है। तो इन सभी कैरेक्टर की जर्नी को आगे बढ़ते हुए देखने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बढ़ते हैं हमारे नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे द बॉयज सीरीज का सीजन 3। लेकिन जिस तरीके से इस सीरीज में सुपर हीरो के जोनरा को एक्सप्लोर करने के साथ साथ सुपर हीरो के डार्क साइड को भी एक्सप्लोर किया है और इसी वजह से द बॉयज सीरीज का सीजन 1 और सीजन 2 पूरी तरह से क्रेजीनेस से भरा है और नो डाउट इसका सीजन 3 भी पूरी तरह से क्रेजीनेस से भरा होगा। और इसका सीजन 3 आपको 3 जून को देखने को मिल जाएगा और ये आपको 3 जून को हिंदी तमिल तेलुगु में भी अमेजोन प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगा। तो बात करें हमारी इस लिस्ट की नंबर 3 की रैंकिंग को लेके। तो डेड डेल सीरीज के बाद अगर किसी सीरीज का नाम है सुपर हीरो जोनरा में नेटफ्लिक्स पे तो वो अम्ब्रेला एकेडमी का ही है और इस साल आपको अम्ब्रेला एकेडमी का सीजन 3 भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब अम्ब्रेला एकेडमी का सीजन 1 और सीजन 2 रिलीज हुआ था तब ऑडियंस को पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया था कि सुपर हीरो जोनरा में ये भी हो सकता है और उसी राह पे चलते हुए इस सीरीज का सीजन 3 भी आ रहा है और इसका सीजन 3 आपको 22 जून को देखने को मिल जाएगा और ये आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगा। तो नंबर 4 पे है पीकी ब्लाइंडर सीरीज और गैंगस्टर जोनरा की सीरीज और मूवी देखने वाली ऑडियंस को मुझे पीकी ब्लाइंडर सीरीज का बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस सीरीज ने गैंगस्टर जोनरा में अपना अलग ही नाम बना रखा है। तो इस सीरीज का फाइनल सीजन आपको इंडिया में नेटफ्लिक्स पे 10 जून को देखने को मिल जाएगा और ये सिर्फ आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पे है स्पाइडर हेड मूवी जो की एक साईफाई एक्शन पैक मूवी होने वाली है और इस मूवी में हमें मेन लीड में क्रिस भाई देखने को मिल जाएगी जो की एमसीयू के यूनिवर्स में कौन से कैरेक्टर को प्ले करते हैं वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एनीवे ये मूवी आपको 17 जून को नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी और जी हाँ ये आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नंबर 6 पे है हमारी लिस्ट में ओबी-वन कनोबी का सीजन 1 और एक स्टार वॉर्स की यूनिवर्स की सीरीज है और ये सीरीज आपको 27 मई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी और ये आपको सेम डे हिंदी तमिल तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 7 पे है टॉम क्रूज की अपकमिंग मूवी टॉप गन मैवरिक और ये मूवी आपको 27 मई को सिनेमा हाउस में हिंदी तमिल तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 8 पे है मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की अपकमिंग सीरीज मिस मार्वल सीरीज और ये आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 8 जून को देखने को मिल जाएगी और ये आपको 8 जून को हिंदी तमिल तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। तो बात करें नंबर 9 पे, तो नंबर 9 पे है जुरासिक वर्ल्ड फ्रेंचाइज की 6th मूवी यानी कि जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन और ये मूवी आपको 10 जून को सिर्फ सिनेमा हाउस में ही देखने को मिलेगी और ये मूवी जुरासिक वर्ल्ड के आगे के पार्ट की तरह ये भी पार्ट आपको हिंदी तमिल तेलुगु में देखने को मिल जाएगा। तो हमारी इस लिस्ट में है 10वें नंबर पे रेसिडेंट इविल की एक लाइव एक्शन सीरीज। हालांकि नेटफ्लिक्स ने कुछ महीने पहले ही एक रेसिडेंट इविल के यूनिवर्स पे बेस एक एनिमेटेड सीरीज रिलीज की थी जिसे क्रिटिक्स और व्यूअर की तरफ से जितना नेटफ्लिक्स ने रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा नहीं मिला। तो देखते हैं कि आखिर ये लाइव एक्शन फॉर्मेट की सीरीज रेसिडेंट इविल के यूनिवर्स में क्या नया करती है। और ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे 14 जुलाई को देखने को मिल जाएगी और जी हां फैंस ये आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 11 पे है हमारी इस लिस्ट में मार्वल फैंस की मच अवेटेड मूवी थॉर लव एंड थंडर और ये मूवी आपको 18 जुलाई को सिनेमा हाउस में देखने को मिल जाएगी और मार्वल की बाकी की मूवी की तरह ये भी आपको हिंदी तमिल तेलुगु में देखने को मिल जाएगी। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 12 पे है प्राइम वीडियो की अपकमिंग सीरीज द टर्मिनेटर लिस्ट और एक एक्शन पैक थ्रिलर सीरीज होने वाली और ये सीरीज
आपको 1 जुलाई को प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी और ये सीरीज आपको 1 जुलाई को हिंदी तमिल तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। तो बात करें हमारे इस लिस्ट की नंबर 13 की रैंकिंग को लेकर, तो नंबर 13 पे है नेटफ्लिक्स की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर मूवी द ग्रे मैन, और ये मूवी आपको 22 जुलाई को नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन हमें इस मूवी में बहुत ज्यादा बड़े बड़े चेहरे दिखने वाले है, जिसमें पहला चेहरा जो की रियान गोसलिन का है और दूसरा चेहरा जो की क्रिस इवान का है, जिसे आप एमसीयू के यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका नाम से जानते होंगे, और तीसरा चेहरा जो कि साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार धनुष है। ऊपर से ये मूवी एक्शन पैक थ्रिलर मूवी होने वाली है, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्रिस इवान और धनुष के एक्शन सीन देखने के लिए। तो बात करें नंबर 14 की, तो नंबर 14 पे है जैक राइन सीजन 3, और फैंस ये आपको जून से लेकर जुलाई के बीच में कभी भी देखने को मिल सकती है, और ये आपको ऑफकोर्स हिंदी के साथ साथ अदर लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं हमारी नंबर 15 की रैंकिंग को लेके, तो नंबर 15 पे है जॉर्डन पेल की अपकमिंग मूवी। ये वही जॉर्डन पेल है जिन्होंने गेट आउट और अस जैसी मास्टरपीस मूवी हमें दी थी, और अब वो इस साल अपनी एक और मास्टरपीस मूवी नप लेके आ रहे हैं, और ये मूवी आपको 22 जुलाई को देखने को मिल जाएगी, और ये मूवी आपको 22 जुलाई सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही सिनेमा हाउस में देखने को मिलेगी। तो हमारे इस लिस्ट में नंबर 16 पे है असुर सीरीज, और इस सीरीज ने रिलीज होने के साथ ही वुड के प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह से आग लगाती थी, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज असुर सीरीज की वजह से वुड का प्लेटफॉर्म थोड़ा बहुत चल रहा है। तो असुर सीरीज आपको इस साल जून या फिर जुलाई में देखने को मिल सकती है, और ये आपको ऑफकोर्स हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। तो बात करें नंबर 17 की, तो नंबर 17 पे है द सैंडमैन सीजन 1, और ये सीरीज एक डीसी कॉमिक पे बेस एक हॉरर फैंटेसी सीरीज होने वाली है। द सैंडमैन का सीजन 1 आपको इस साल जून या फिर जुलाई में देखने को मिल सकते हैं, और ये आपको ऑफकोर्स इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे इस लिस्ट की नंबर 18 की रैंकिंग को लेके, तो नंबर 18 पे है नेटफ्लिक्स की अपकमिंग वेम्पायर सीरीज द फर्स्ट किल, और ये सीरीज का सीजन 1 है, और ये आपको 10 जून को देखने को मिल जाएगा, और साथ में आपको 10 जून को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो की नंबर 19 रैंकिंग को लेके, तो नंबर 19 पे है बुलेट ट्रेन, जो कि एक सोनी पिक्चर की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर मूवी है, और यह मूवी आपको सिनेमा हाउस में 5 अगस्त को हिंदी तमिल तेलुगु में देखने को मिल जाएगी। तो बात करें हमारी इस लिस्ट की नंबर 20 रैंकिंग को लेके, तो नंबर 20 पे है मून नाइट और मिस मार्वल सीरीज के बाद मार्वल की अपकमिंग सीरीज सी हल्क, जो कि आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 17 अक्टूबर को हिंदी तमिल तेलुगु में देखने को मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो की 21 रैंकिंग को लेके, तो 21 रैंकिंग पे है गेम ऑफ थ्रोन्स के सक्सेस के बाद अब जाके एचबीओ मैक्स ने गेम ऑफ थ्रोन्स की पिक्वल सीरीज यानी कि हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज का सीजन 1, जो कि आपको सिर्फ एचबीओ मैक्स पे ही देखने को मिलेगा, और को 21 अगस्त को एचबीओ मैक्स के साथ साथ इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भी देखने को मिल जाएगा, और हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 1 फिलहाल तो आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा। तो बात करें नंबर 22 के रैंकिंग को लेके, तो नंबर 22 पे है लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी के फ्रेंचाइज के इतने ज्यादा सक्सेस के बाद अब जाके प्राइम वीडियो इस पे एक डेडिकेटेड सीरीज ला रहा है, जिसका नाम द लॉर्ड ऑफ द रिंग द रिंग्स ऑफ द पावर का सीजन 1 आपको इसी द लॉर्ड ऑफ द रिंग द रिंग्स ऑफ पावर ये सीरीज आपको इसी साल 2 सितंबर को देखने को मिल जाएगी, और ये आपको प्राइम वीडियो पे 2 सितंबर को हिंदी तमिल तेलुगु में भी देखने को मिल जाएगी। तो बात करें हमारे इस लिस्ट की नंबर 23 के रिलीज को लेके, तो नंबर 23 पे है मनी हाइस्ट के इतने ज्यादा सक्सेसफुल होने के बाद नेटफ्लिक्स इस पे एक और डेडिकेटेड सीरीज ला रहे हैं, जो कि एक कोरियन वर्जन है, और इसका नाम होने जा रहा है मनी हाइस्ट कोरियन जॉइंट इकोनॉमिक एरा, और सीरीज आपको 4 जून को नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। तो बात करें हमारे इस वीडियो की लास्ट रैंकिंग यानी कि नंबर 24 की रैंकिंग को लेके, तो नंबर 24 पे है और 24 पे है अब बिग हीरो 6 की सीक्वल सीरीज यानी कि बायमैक्स सीरीज, जो कि आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 29 जून को देखने को मिल जाएगी, और ये आपको 29 जून को सिर्फ इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही कुछ समर लिस्ट थी, जिसमें कि मैंने बताई हुई टोटल 24 मूवी सीरीज में से आपकी कौन सी मनपसंद मूवी और सीरीज है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू या फिर अपडेट में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल के दूसरे रिव्यू या फिर अपडेट को एंजॉय करें। टिल देन बाय।